घटना भर है कि हम लोग पानी चला रहा था, हम और तिवारी जी साथ में पानी चला रहे थे वहाँ पर, और वहाँ पर एसडीएम की गाड़ी आई। उसके बाद में हम लोग वहीं पर बैठे थे, एसडीएम साहब वहाँ से पैदल चले गए नाले में। नाले में जाने के बाद फिर वहाँ से वो फ़ोन किए, वो वहाँ पर जाके दो ट्राली पकड़ लिए वो, और हम लोग हमारा वहाँ पानी चला था, हम लोग वहीं पर दोनों आदमी बैठे थे, हम और तिवारी जी। उसके बाद में वहाँ से जब एसडीएम साहब फ़ोन किए कि ड्राइवर को हमारा गाड़ी लेके आओ, ड्राइवर बोला मेरे को रास्ता नहीं मालूम है। उसके बाद में जब तिवारी जी को हमने कहा तिवारी जी आप चले जाइए, उनको रास्ता बता दीजिए नाले का, तो नाले का रास्ता बताने के लिए तिवारी जी गए। उसके बाद में वहाँ से दो मिनट बाद वहाँ से पश्चिम साइड से मनहारापुर की तरफ से गाड़ी आई और आके तुरंत हमको मारने लगे। तो और मोबाइल पहले छीन लिए, उसके बाद में मारने लगे, हाकी से मारे हैं। उसके बाद में उसमें बंद कर लिए हमको, लेके जाके 200 मीटर पर एक चौराहा और हले बुड़वा के पास, वहाँ पर पैसा निकाल लिया। उसके बाद में मेरे को बोल रहे थे कि दाग देंगे, नहीं तो बताओ तुमने क्या किया, क्यों पकड़ा है तुम हमारा, वो हमारा ट्राली पकड़ाते हो तुम, क्या उसका नाम खुफिया हो। तो बोल रहे थे कि भाजपा की सरकार में और बापन ठाकुर का ट्राली पकड़ा रहे हो यहाँ पर बैठ के, और हमको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था कि जब आप छापा मारे हैं कि नहीं मारे हैं, कुछ मालूम है अपना, हम काम से वहाँ पर बैठे थे। हमारा को ऐसी कुछ सूचना मिली थी कि खैरनिया गांव के आसपास जो एक नाला है जो कि ललिया थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां अवैध खनन हो रहा है, जो कि सूचना हमें 10:30 बजे के करीब रात में मिली थी। तो जब हम लोग वहां पहुंचे करीब बलरामपुर से 1 घंटे यात्रा करने के बाद 11:30 बजे के करीब, तो गाड़ी करीब हम लोगों ने जो खनन क्षेत्र था उससे 5 किलोमीटर पहले रोक ली, और क्योंकि गाड़ी से उन्हें अंदाजा हो जाता कि कोई प्रशासन से आ रहा है तो वो निकल जाते। उसके बाद हम लोग 5 किलोमीटर लगभग जो है पैदल चल के जहां पे एग्जैक्टली खनन हो रहा था वहां पे हम लोग पहुंचे, तो वहां हमें 2 ट्रॉली जो है बालू से बिल्कुल ओवरलोडेड मिली, और काफी ट्रैक्टर्स की आवाज भी सुनाई दी, लेकिन बिल्कुल रात का समय था तो उन्होंने लाइट्स ऑन नहीं कर रखी थी, और वो लोग जो है मौके से वहां से फरार हो गए जो भी खनन कर रहे थे ट्रॉलीज को छोड़ के। हाँ, मतलब एक्चुअली वो जो लड़का था एक, जहां पे मैं गाड़ी छोड़ के अपनी आया था, इधर हम लोग सब लोग आ गए थे, तो वहां पे वो गाड़ी के पास खड़ा था और अपने खेत में पानी भर रहा था। तो उसका ये कहना है कि एक मारुति आई थी और एक मारुति जो है रेकी कर रही थी उस जगह की, कौन क्या कर रहा है, और वहां से कुछ बदमाश निकले और इसको जो है मारा पीटा, और ये भी कहा कि तुमने मेरी गाड़ी पकड़वा दी, लेकिन वो इस मामले से कोई कनेक्टेड भी नहीं था, वो तो मतलब एक्चुअली अपने खेत में काम कर रहा था। तो उसको भी मैंने जो ललिया ऐसे उनके पास भेजा कि इनका मेडिकल करा।